हिंदू युवा वाहिनी की मासिक बैठक वाहिनी के महानगर अध्यक्ष रणजय सिंह जुगनू की अध्यक्षता में रेलवे स्टेशन स्थित संगठन के प्रदेश कार्यालय पर संपन्न हुआ, जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष रणजय सिंह जुगनू ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मंडल तथा वार्ड के हर कार्यक्रम में मौजूद रहे तथा शासन की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना चाहिए, उन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें तथा उन योजनाओं को महानगर कार्यकर्ता मंडल स्तर और वार्ड स्तर तक पहुंचाने का काम करें। इस अवसर पर नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष रणजय सिंह जुगनू ने कहा, ये बात हमें अभी नहीं, पहले वाले पे सब लोग सबका रहा, एक जनी नहीं कटेंगे। और बेहतर कैसे बनना, अभी इस पे होगा नहीं, पहले ये नहीं, पहले ये बताइए कि पहले वाले एजेंडे अभी नहीं, अभी सूचना भी जाएगा, सूचना नहीं जाएगा, सूचना व्हाट्सएप से जाएगा। एक मिनट, आप लोग अभी नहीं समझ पाए, सुनिए शांति से सुनिए। पहला चीज कि जो भी तरीका था सूचना का व्हाट्सएप जो सूचना महामंत्री से भी आप कर सकते हैं, यही बार महानगर की बैठक है ना, मासिक बैठक निर्धारित हो रही है, अचानक आ गया महानगर की हो, महानगर अचानक आ गया तो उसमें। रणजय सिंह जुगनू महानगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी। देखिए हिंदू युवा वाहिनी महानगर की मासिक बैठक का है और देख भी रहे हैं आप, महानगर के सारे पदाधिकारी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। हिंदू युवा वाहिनी ने समाज के अंदर अपनी उपस्थिति किस तरह से दर्ज कराया जाए, कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की पूर्ण रूप से उपस्थिति किस तरह से दर्ज हो, महानगर के पदाधिकारी को पूर्ण रूप से उपस्थिति कैसे दर्ज हो, इसी सारी संबंधों पे लेके आज यहाँ पे बैठक रखी गई है। देखिए हमारे यहाँ जो बैठक चल रही है उसमें मैंने शुरू में ही बताया कि कम सबसे पहले तो महानगर के पदाधिकारी सहित मंडल और वार्ड के पदाधिकारियों की उपस्थिति हर कार्यक्रम में 100% उपस्थिति तय करने के लिए आज यहाँ बैठक हो रही है। दूसरी चीज, समाज में किस तरह से हम काम करें, समाज के सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लाभार्थियों तक पहुंच नहीं पा रही है, जो आवश्यक हैं उनके तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है, तो महानगर ने ये तय किया कि सरकार की योजनाओं को महानगर के माध्यम से मंडल तक और मंडल के माध्यम से वार्ड तक जाए और वार्ड के अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ता उसको समाज के बीच जो लाभार्थी हैं उनका उनके तक इसको पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज इसी उद्देश्य के साथ आज यहां पे महानगर की बैठक रखी गई है।